मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब में एक और है एपोच, मीन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कुछ वफ़े से कोई चीज़ होना, एरोड ईट अवे, खा के दूर निकल जाना, खाओ पियो किसको, एक बड़ा मशहूर जुमला है। लाउड कलमसी पर्सन, यानी बड़ा चलाक मक्कार, और कलमसी मैं बता चुका हूँ कलमुई से याद रख सकते हैं, जो सास बहू को कहती है ना बड़ी कलमुई है, तो कलमुई कलमसी। लॉफ्टी वेरी हाई, ऑनर्स के मीनिंग बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, देखो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होती है, बर्डन होता है भाई। मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे अपने बच्चों का टेस्ट क्लियर कराना है। जब तक तुम लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो जाता, एक बच्चे का बाकी होता है, मेरे ऊपर क्या होता है, ऑनर्स होता है, बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन सी, लॉफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वेरी हाई। ठीक है, अच्छा जी। और अप्रोच पीरियड ऑफ टाइम के साथ, देखो ऐसे इस्तेमाल करना सीखो ना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये जो ऑनर्स है वो लॉफ्टी होता जाता है, वेरी हाई होता जाता है। फिर उसके बाद एक सुकून होता है, फिर मैं कहता हूँ अब क्या करो, रोड करो, ईट करो और अवे हो जाओ। ठीक है, ईट अवे। और मुझे नफरत कैसे लोगों से, नफरत के लिए बहुत सारे वर्ड हम देख चुके हैं, एवॉर वगैरह, सारा दिन में ऐसे चलाओ। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, हर वर्ड पहले उर्दू में, फिर उसका जो जो उर्दू के वर्ड हैं जो अब तक तुम्हें वोकैबुलरी बताई, तुम लोगों को कह रहा हूँ कि उसको फिट करते जाओ। हाँ जी, तो क्या है कलमसी पर्सन यानी लाउड पीपल, आई डोंट लाइक दैट। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ और बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स। सरकसम, देखो ये वर्ड तो बहुत आता है, कोई पेपर ऐसा नहीं है, चाहे GRE हो, MCAT हो, ECAT हो, BCAT हो, CSE हो, जिसमें मैंने वर्ड ना देखा हो। इसकी मीनिंग होता है तंज करना, स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, स्टिंगिंग रिप्यूक्स। किसी बेचारे का NED के टेस्ट में नहीं हुआ, अच्छा फेल हो गए क्या, बनते तो बड़े पढ़ने वाले थे, यानी अल्लाह माफ करे, ऐसे वो कच 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 दूर के रिश्ते था खास तौर पर, जो ओ टॉन करते हैं, हर किसी को बेचारे को तजुर्बा होता ही है। सावंत स्कॉलर, अरे सावंत सावंत सावंत, जो हर सावंत याद रख सकते हो। और एक है राखी सावंत, जो अपने आप को बड़ा स्कॉलर समझती है, बड़ी डफर, बॉलीवुड की डफर तरीन एक्ट्रेस, लेकिन वो शो ऐसे करती हैं जितना बड़ी वो क्या हो स्कॉलर। राखी सावंत से भी याद रख सकते हो। स्कॉफ मॉक रिडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, हंसना किसी के ऊपर, ये चीज़ कहलाती है। ये बड़ा है मैं L-O-N, फ्लूट, सलाम, ठीक है। देखिए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था वो सबसे बड़ा सलाम, जिसकी शिद्दत 100 थी। अब देखो जो 5 की शिद्दत के सलाब आए थे अमरीका में, इन्होंने कितनी तबाही मचाई है। तो जो 100 की शिद्दत का था, क्योंकि उसमें बहुत ज़मीन से भी पानी निकल रहा था और आसमान से भी बरस रहा था। एम्बिडेस्ट्रस, आवे आवे वर्ड, एम्बिडेस्ट्रस क्या है, आवे आवे वर्ड, उस आदमी को कहते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकता है, वो क्या कहलाते हैं, एम्बिडेस्ट्रस। डेस्पोट, एब्सोल्यूट इररिस्पॉन्सिबल मोनार्च, नीरू, रोमन बादशाह, रोम शहर पूरा इसने जला दिया था सिर्फ इस ये देखने के लिए। एक बार वो बस्ती से गुजरा, इसने देखा दो लोग जल रहे हैं ना आग में, कह रहा है इंसान जलता है तो कितना मजा आता है, तो अपना और अपनी माँ एग्रीपेना का महल रोम शहर के बाहर बनाया और पूरा रोम शहर जला दिया, और रोम शहर जलाया था और खुद छत पे जलता हुआ देख के लोगों को बांसुरी बजा रहा था। तो डिस्पोट कह सकते हो नीरो को, कि एब्सोल्यूट यानी जिसके पास बड़ी ताकत भी हो और बड़ा क्या हो, इररिस्पॉन्सिबल मोनार्क, जालिम किस्म का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स में आई हुई वोकैबुलरी विद डिफरेंट ट्रिक्स। डिस्टेन के मीनिंग होते हैं कंडेम, यानी मजम्मत करना, अच्छा यूजली नफरत के मीनिंग में भी आ सकता है, और बहुत बुरा भी कह सकते हो। अब देखो इनको याद रखने की क्या ट्रिक है, कॉन्डेम्ड को तो कॉन्टेंट से याद रख सकते हो, कि ये वाला कॉन्टेंट बड़ा कॉन्डेम्ड। अक्सर बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट छोड़ के मेरे पास आते हैं पढ़ने, मैंने कहा यार क्या पढ़ाया था, अब जब मैं देखता हूँ यार तो सर पीट लेता हूँ, अरे ये क्या कराया था इनको भाई, इसका तो एग्जाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था, यानी वो कॉन्टेंट उनका क्या था, बड़ा कॉन्टेंट था। और डिस्टेन को कैसे रख सकते हो, दिस ड्रेन, ये नाली बड़ी क्या है, डिस्टेन है ये नाली, जब भी दिस ट्रेन दिस ड्रेन को देख करके मुझे क्या होने लगती है, डिस्टेन होने लगती है, एक उलझन सी, एक नफरत सी, ठीक है। ट्रूस के मीनिंग होते हैं वॉर, ट्रूस के मीनिंग क्या होते हैं वॉर, तो ब्रूस ली को जहन में रखो, ब्रूस ट्रूस, अकेला वो पूरी दुनिया से वॉर कर सकता था, क्या आदमी था यार। वन इंच पंच,
एक इंच से वो पंच मारता था और बंदे की हड्डियां टूट जाती हैं, इतनी ताकत थी उसमें। इनविडियस हेडफुल, देखो हेड के भाव में नहीं होते, अक्सर आपने देखा होगा अब और बहुत सारे वर्ड्स हेड के मीनिंग बहुत आते हैं। इनयूर के मीनिंग होते हैं टफन, चीज टफ होती जाना। इनवेक्टिव के मीनिंग वायलेंट डिन्यूनिकिएशन। अब देखो वायलेंट और डिन्यूनिकिएशन ये आखिर है क्या कहानी? इनवेक्टिव या वायलेंट किसी चीज की खिलाफ वर्जी करना ना, डिन्यूनिकिएशन। मार के मीनिंग डैमेज, रोइन, स्पॉयल, किसी चीज़ को डैमेज करना, रोइन करना, स्पॉयल करना। देखो मार से, मार को मार से याद रख सकते हो, उसको इतनी मार पड़ी कि वो डैमेज हो गया, वो रोन हो गया, वो स्पॉयल हो गया। अच्छा स्पॉयल को क्या कहते हैं? बिगड़ना भी एक तरह से कहते हैं। माँ का लाडला बिगड़ गया, तो मार खा खा के और बिगड़ गया वो वजह सही होने के। प्रिस्टियन कहते हैं सीइंग फ्यूचर, फ्यूचर में देखना। प्रोविडेंशियल लकी, प्रोविडेंशियल लकी। बुगलिज्म बॉक्सिंग, बुगलिज्म बॉक्सिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, पेपर में कुछ अरसे से ये बड़ा आ रहा है, बुगलिज्म बॉक्सिंग। लेकिन देखिए इसे जो अब बड़ा है, हम ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं। देखो ग्रामर में या तो एरर डिटेक्शन आता है या सेंटेंस करेक्शन आता है। जैसा कि आपको दे देंगे, इट इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो देखो एक एक वर्ड से पूछो कि भाई इजाज़त लेके आए हो नहीं। इट से सेंटेंस स्टार्ट है जनाब, तो इज आया हुआ है सही है, आ थ्री चलें ये भी सही है, मैंने स्पेलिंग थ्री वैसे लिखेंगे बस जगह के लिए बोल दिया। इट इज़ अ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, ओके जी क्या गलती है भी हम डिस्कस करते हैं। आई हैव 10 dozens ऑफ शूज, तो मेरे भाई एक रूल याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ग्रामर के जो मेरे रूल्स हैं वो कर लो, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, सारे अभी तो स्टार्ट है। इट इज़ अ 3 ईयर्स यार, अगर उर्दू में तर्जुमा पढ़ो तो कुछ ऐसा बन रहा है ना, 3 सालों का डिग्री कोर्स है। सालों नहीं यार, क्या होना चाहिए, ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। सालों तो अजीब सा लस है। आई हैव 10 dozens ऑफ शूज, मेरे पास 10 दर्जनों जूते हैं। ऐसा बोलोगे तो अगला जूता मारने लगेगा, क्या भाई क्या बोलते हैं, 10 दर्जन जूते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स है। तो याद रखो अगर क्वांटिटी मेंशन हो जाती है तो यहाँ कभी एस नहीं आता। जैसे कि देखो 700 नहीं होगा, 8 मिलियन मिलियंस नहीं होगा, और जनाब दुनिया की आबादी 8 बिलियंस हम नहीं बोलेंगे कि 8 बिलियन के करीब होने वाली है, ठीक है जी। लेकिन अब तो अल्लाह खैर करे, कोरोना के बाद क्या सिचुएशन होती है। तो पहला रूल नंबर 1, ठीक है जी, ये नोट डाउन कर।